आज हम बना के दिखाएंगे राइप केला से, पके हुए केला से ब्यूटीफुल मालपुआ आप घर पे कैसे बना सकते हैं। हमने ले लिया 3 केला, इसको हम छिलका हटा के इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब केला हमने टुकड़ा कर लिया, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क, नॉर्मल टेम्परेचर है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप शुगर, 1/2 कप सेमोलिना, मिल्क में 2 टेबलस्पून। मिक्सी में इसको घुमा लेंगे। केला, सेमोलिना, चीनी और मिल्क मेड एक साथ मिलके बहुत ही अच्छी तरह बैटर बनके तैयार कर लिया हमने। अब इस बैटर में हमें डालना है ड्राई फ्रूट्स, आमंड, काजू, पिस्ता। हमने थोड़ा रोस्ट कर लिया और उसको थोड़ा ग्राइंड भी कर लिया, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा इलायची का कर्डमम पाउडर। अब हम इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके मैदा और इस तरह मिलाते रहेंगे। लगभग 1 कप मैदा हमने इसमें ले लिया। अब देखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो थोड़ा डाल भी सकते हैं, कंसिस्टेंसी हमें देखना पड़ेगा। बैटर कंसिस्टेंसी देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। 1 टेबलस्पून मैदा और भी इसमें मिला रही हूँ। अब देखिए कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गया है। अब हम इसको कुछ देर तक ढक के रख देंगे, तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने ले लिया एक पैन, हमने इसमें डाल दिया 3/4 कप शुगर एंड 1.5 कप पानी और इसको हम 15 मिनट्स चला लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, 15 मिनट्स हमने इसको बॉईल कर लिया। चाशनी हमारा बनके तैयार हो चुका है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा हल्का भी नहीं। एक चीज़ हमें ख्याल रखना है कि हमने जब बैटर बनाया उसमें भी हमने थोड़ा सा शुगर डाला था। मालपुआ अब हम फ्राई करेंगे। ओवन में हमने एक पैन चढ़ा दिया और उसमें एडिबल ऑयल और साथ में थोड़ा सा घी हमने मिला दिया। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, फिर भी एक बार हमें चेक कर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा बैटर हमने इसके ऊपर डालेंगे, नहीं और थोड़ी देर तक ये गर्म होगा। मालपुआ डीप फ्राई करना है इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेना पड़ा। अब देखिए हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। देखिए इसका कंसिस्टेंसी, आधा घंटे के लिए रेस्ट में रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है परफेक्टली। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच बैटर। मीडियम हीट पे ही हमने इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं देंगे, धीरे धीरे फ्राई करना है और लाइट ब्राउन होने तक हमने एक एक साइड फ्राई करेंगे। इस तरह हमने इसको ब्राउन कर लेंगे और जितना तेल इसमें रह गया निकाल देंगे। इंस्टेंटली हमने इसको चाशनी में डाल देंगे। देखिए ये भी तैयार हो चुका है और फौरन इसको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डालने के साथ साथ इसके ऊपर एक ढक्कन भी हम लगा देंगे और ज़्यादा देर तक इसको हम नहीं रखेंगे।
10 मिनट हमने चाशनी के अंदर भिगोएंगे और उसके बाद उठा लेंगे। इसी तरह सभी मालपुआ बना लेंगे। ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा हमने गार्निश कर दिया। तो व्यूअर्स, बनके तैयार हो चुका है हमारा आज का रेसिपी केला मालपुआ, पका हुआ केला से जो हमने बनाया। देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है और खाने में भी उतना ही बढ़िया लगेगा। अगर आप घर में बनाएंगे, खाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल मिठाई है ये। कोई भी त्यौहार, होली, दिवाली, ये सब त्यौहार में आप इसको बना के खिला सकते हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स।